तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संजीवनी संस्था की ओर से ओल्ड मसूरी रोड स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में दिवाली फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी संस्था ने ये पहल की है। दो दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में उत्तराखंड के कई तरह के उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। संजीवनी संस्था उत्तराखंड के सिविल सर्विस अधिकारियों की पत्नियों की संस्था है, जो राज्य में लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस तरह के फेस्ट के आयोजन का क्या कुछ उद्देश्य है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने खास बात की संजीवनी संस्था की अध्यक्ष हरलीन कौर संधू से। राजधानी देहरादून में संजीवनी दीपावली फेस्ट का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन दो दिनों तक चलने वाला है। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष हैं हरलीन कौर संधू जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो आयोजन है, इसका मकसद क्या है। मैम, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह का जो फेस्ट का आयोजन है, क्या इसका मकसद है? हम लोगों ने दिवाली फेस्ट इस पर्पज से लगाया है कि जो उत्तराखंड के आर्टिजन्स हैं और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें जो कि अफोर्डेबल हो, जहाँ उनका बहुत खर्चा ना हो। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा बिजनेस पर इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम चाह रहे थे कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें और उनकी कोई सेल हो सके, ताकि उनको भी थोड़ा सा आर्थिक लाभ हो पाए। और जो हम इससे अर्न करेंगे, वो हम अपनी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे यूज़ करेंगे कम्प्लीटली उत्तराखंड के लोगों के लिए। मैम, इस फेस्ट में कौन कौन से सामान हैं, कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए हुए हैं और किस तरह के यहाँ पर सामग्री है? हमने कोशिश यही करी है कि उत्तराखंड के आर्टिजन्स और एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ बुलाया जाए। ऑलमोस्ट सभी वहीं के हैं, एक आध कोई बाहर से होगा, बाकी सब उत्तराखंड के ही लोग हैं, तभी उन्हीं के लिए ही हमने प्रोग्राम आयोजित किया है। और सामान जैसे आप देख रहे हैं, कपड़ों से लेके, ज्वेलरी से लेके, दिवाली का सामान है, दिए हैं, देन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और जैसे होममेड सोप्स हैं, जैसे छोटी कारोबार हैं, लोग घरों में चलाते हैं, उनके लिए कैंडल्स का उनका कारोबार है, उनका होममेड सोप्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, ये सब है यहाँ पे। और लाइव हनी बी एक्सट्रैक्शन का भी एक होगा, और मेहंदी का भी इसलिए आयोजन किया क्योंकि करवा चौथ है संडे को, तो लोग जो आएँ वो अपना मेहंदी का भी करवा के जाएँ। एक ऐसा जगह हो जहाँ पे सब कुछ उनको मिल पाए, ताकि उनको और कहीं ना जाना पड़े। मैम, जो लोकल उद्योग है, उसको बढ़ावा के लिए इस तरह के आयोजन को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, स्पेशली ये कोविड के कारण जो 1.5-2 साल से इतनी आर्थिक हानि जो हमारे कारोबार में हो रही है, उसके लिए हमें उनको दोबारा, वी हैव टू प्रमोट देम, हमको उनको प्लेटफॉर्म देना है कि उनके दोबारा उनका काम शुरू हो पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी मैम, जो संजीवनी दीपावली फेस्ट की अध्यक्ष हैं, और उनका साफ कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल उत्पाद को बढ़ाने के लिए इस तरह का फेस्ट का आयोजन किया गया है। कैमरामैन अजात सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे एवं